इकोलॉजिकल निश फर्स्ट आ कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल निश दैन निश में ओवरलैप एंड डाइवर्सिफिकेशन सो फर्स्ट इकोलॉजिकल निश इकोलॉजिकल निश अगर स्टूडेंट्स हम वेरी सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो बेसिकली इकोलॉजिकल निश्च या किसी भी स्पीसीज का इको के अंदर एक उसका रोल है किसी इको सिस्टम के जो स्पीशीज जो कुछ भी करती है वो सारे के सारे उसको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं इकोलॉजिकल निश का नाम देते हैं नी सिंपली फिर इकोलॉजिकल निश क्या है इकोलॉजिकल निश इज बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर थिंग्स विच आर स्पीशीज इज डूइंग इन इट्स इको कोई भी स्पीशीज किसी स्पीशीज के मेम्बर इको में तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे के सारा कलेक्टिवली क्या कहलाता है इकोलॉजिकल निश कहलाता है मीन्स क्या करते हैं वो हाउ दे आर गेटिंग दे आर फूड मेम्बर्स कहाँ किसी स्पीशल के मेम्बर कहाँ से अपना फूड हासिल कर रहे हैं हाओ दे आर गेटिंग दे आर फूड व्हाट दे आर ईटिंग एंड फ्रॉम वेयर दे आर ईटिंग सिमिलरली वेयर दे आर लिविंग कहाँ वो रह, रह रहे हैं इको सिस्टम के अंदर सो हाउ दे आर रिप्रोड्यूसिंग कहाँ रीप्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह से जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं इको सिस्टम के अंदर दे आर ऑल टूगैदर दे आर कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल निश तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल निश इज़ बेसिकली द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रोल ऑफ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम इवन जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जैसे कुछ एनिमल्स हैं दे प्रेफर टू लिव इन हाई टेम्परेचर एंड सम एनिमल प्रेफर टू लिव इन लो टेम्परेचर तो किस तरह के एन्वायरमेंट में रहना है कौन सी फिजिकल पैरामीटर्स होंगे किसी एनिमल के मतलब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं दे आर कॉल्ड द इकोलॉजिकल निश वैन यू टाक अबाउट इकोलॉजिकल निश अब अगर वो इको सिस्टम को हम जस्ट इमेजन कर लें तो इको सिस्टम के अंदर डिफरेंट एनिमल्स का अपनी अपनी इकोलॉजिकल निशेज़ हैं जैसे अगर हमारे पास एक आ, सिंपल अगर हम बात करते हैं एक ऐसा एनिमल है जो लीव्स खा रहा है तो डेफिनेटली वो इको सिस्टम के अंदर वहाँ रहेगा जहाँ क्या है कि लीवस मौजूद हैं ट्रीज मौजूद हैं उनके लीव्स जो है उसको प्रेफर करेगा प्रेफरेबली खाएगा एक एनिमल जो है वो ग्रास ईटर है तो वो प्रेफरेबली वहाँ रहेगा जहाँ क्या है ग्रासेज मौजूद हैं एक तीसरा एनिमल जो है वो फ्रोगी वोर है यानी वो फ्रूट सीटर है तो वो वहाँ उस एको के उस हिस्से में प्रेफरेबली रहेगा जहाँ क्या है खाने के लिए उसको फ्रूट्स मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम एनिमल्स जो होते हैं वो एक सिस्टम के अंदर उनके अपने अपने जहाँ वो नशे होंगी जहाँ मौजूद होंगी इसी तरह से जब उन्हें रिप्रोड्यूस करना है या फिर इसके अलावा उन्हें अपने रहना है तो हर एक का अपने नेस्टिंग का बिहेवियर तो ये तमाम एनिमल्स के अपने अपने क्या है कि एरियाज एरियाज़ँ वो रहते हैं या फिर अपनी अपनी इकोलॉजिकल नशेज़ हैं लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स मिलती जुलती होती हैं जैसे अगर हम सिंपली बात कर लें एक डियर और जैबराज हैं और डियर और जैबराज दोनों क्या हैं कि ग्रासेस पर रिलाई करते हैं इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक जैसे रिक्वायरमेंट रखते हैं उनकी इकोलॉजिकल निशेज एक जैसी होंगी अब इसका वी कैन से दैट द इकोलॉजिकल निशेज़ दे मे ओवरलैप कि दो स्पीशीज़ की जो इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है वो क्या करती हैं वो ओवरलैप करती हैं आज जब इकोलॉजिकल निशीज ओवरलैप करेंगे वट विल द रिजल्ट द रिजल्ट विल बी द दम्पिटिशन रिजल्ट ये होगा कि एनिमल्स फिर क्या करेंगे रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से कम्पीट करेंगे और रिसोर्स को गेन करने के लिए क्या करें एक दूसरे से जब आपस में उनका मुकाबला होगा या कम्पिटिशन होगा अब एनिमल्स हैव सॉर्ट सम ऑफ है फॉर दैट एनिमल्स के अंदर इसका कुछ एक हद तक सोल्यूशन भी मौजूद है क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली एनिमल्स के, के दरमियान इकोसिस्टम में बहुत सवियर कम्पिटिशन नहीं होता है वो कंपटीशन क्यों नहीं होता है द रीज़न इज दैट द एनिमल दे डिवाइड द रिसोर्सेज अब जो कि रिसोर्सेज इको सिस्टम के अंदर डिस्पर्स फार्म में पड़े होते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं कि रिसोर्सेज डिवाइड करते हैं डिवाइड डिड करने का मतलब ये है कि कुछ एनिमल्स एक टाइप से अदर से, एक साइड से रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे तो दूसरी एनिमल जो होते हैं दूसरी साइड से रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो इस फिना को जिसमें रिसोर्स को बहा डिवाइड कर लिया जाता है दिस इज कॉल्ड द निश डाइवर्सिफिकेशन ये वो है जिसमें जो निशेज हैं उसमें क्या किया उसको डाइवर्सीफाई कर दिया गया है तो दिस इज द निश डाइवर्सिफिकेशन है कि जिसमें रिसोर्सेज जो है उनको एनिमल्स क्या करते हैं आपस में बांट लेते हैं और या फिर क्या कर सकते हैं कि आपने रिसोर्सेज जो हैं वो उनको तयन कर दिया जाता है कि कौन से रिसोर्स कौन सी स्पीशीज है वो यूटिलाइज करेगी